Welcome to Falcon eSchool YouTube channel. Kindly subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 13 से आज के दिन का आगाज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 13 आप जब देखेंगे इसमें तो आपको नजर आएगा पिक आउट द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन इन ईच केस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13. अब देखें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन लिखा हुआ इसमें. अगर आपको कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए दिया जाता है, अगर आपको इस नंबर लिखे 5, 8 और आपसे कहा जाता है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है सबसे, तो आपसे ये तो सिंपल बता सकते हैं कि 2 जो है वो इसमें स्मॉलेस्ट है. लेकिन क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन इज नॉट सिंपल. ठीक है, तो सिंपल नहीं है इस वजह से इसको कुछ फ्रैक्शन को के स्मॉलेस्ट को निकालने के कुछ तरीके हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो ये निकाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में 3/4, 4/5 और 5/6. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें से बताना है आपको कि स्मॉलेस्ट कौन सा. देखिए ये फ्रैक्शन में है तो इसलिए आप सिंपली नहीं बता सकते कि ये आपके पास इसमें से ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट कौन सा है. हाँ, अगर आपके पास इसके डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, जो डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाए, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो फिर आप न्यूमरेटर की वैल्यू देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में कौन किसकी वैल्यू बढ़ी है. जिसकी वैल्यू बढ़ी है वही हो जाएगा, लेकिन उसके लिए डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है. तो अब हम क्या करेंगे कि कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो किसी तरह से सेम हो जाए. तो डिनोमिनेटर सेम होने का तरीका क्या है, आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा. आपके पास क्या क्या नंबर है डिनोमिनेटर में 4, 5 और 6, तो इनका क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे 4, 5 6. ये रफ वर्क में करेंगे आप. एलसीएम किस तरह से निकालेंगे, आप देखेंगे 4 है और यहाँ पे 6 है, 2 का टेबल पढ़ेंगे. 2 का टेबल में आपके पास कौन कौन से आते हैं, 4 भी आते हैं और 6 भी आते हैं. 2 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4. 5 को ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि 5 नहीं आता. 2 के टेबल में 6 आता है तो 2 = 6. ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि 2 का टेबल दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 मौजूद है. 2 = 2, बाकी कॉपी कर देंगे 5, 10. ठीक है, अब क्या करेंगे, ना 5 आता है ना 3 आता है अपने टेबल के अलावा, तो क्या करेंगे 3 से करेंगे. ये 1 ऐसे लिख दिया, 5 ऐसे लिख दिया और इसको 3 बन जाता है. अब आपके पास क्या बचा, 5 बचा, 5 को कर देंगे 5, ये 1 ऐसे ही रहेगा, 5 × 5. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको एलसीएम को जरा बार बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से किया है. अब क्या होगा, इन तीनों इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे जितने, 2 × 2 × 3 × 5, ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 × 4 = 12, 12 × 5 = 16. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, डिनोमिनेटर आपके पास सेम होना चाहिए. तो डिनोमिनेटर आपके पास किस तरह से आप करेंगे, तो क्वेश्चन इस तरह से होगा आपके पास कि 3/4 ये पहला फ्रैक्शन होता है. ठीक है, ये पहला वाला फ्रैक्शन होता है. ठीक है, अब दूसरा वाला फ्रैक्शन लेते हैं. तीसरा वाला फ्रैक्शन लिखें. अब आपको 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास आंसर 60 आ जाए. तो आपके पास जब आप 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो आपके पास क्या आ जाएगा 60. अब आपने जिससे इस फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर में से मल्टीप्लाई किया उसी को सेम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 3 × 15 करेंगे तो ये आपके पास 45 आ जाएगा. ये स्टूडेंट समझ में आया आपको उसका. फिर उसके बाद 4/5 को चेक करते हैं. ठीक है, 4/5 को एक बराबर करते हैं इसके डिनोमिनेटर को. 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास 60 आ जाएगा. 5 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा. जो ही चीज डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया वही न्यूमिनेटर से भी होगी, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 12 ऊपर आ जाएगा, 4 × 12 = 40. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखें ये इसको 60 लाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके 60 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 60. जब डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को 10 से
ठीक है, जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आंसर, अब आप देखें इन तीनों में आपने ये लिया था ऊपर वाला, ये दूसरा है और ये तीसरा, अब आप देखें इनके हो चुके हैं डिनोमिनेटर सेम 60 और 62, अब आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर में किसका नंबर बड़ा है, 45 है, 48 है और 50, और छोटा कौन सा है आपके पास, कौन सा है 45 है, 45 किसका, ये 3/4, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/4 से आपके पास 45/60 आएगा, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे नीचे आंसर में 3/4 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर यही बात होती कि इसमें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन निकालना होता तो वो किस तरह से निकालते हैं, वो आपके पास क्या था इनमें से कौन सा बड़ा है 45 है, 48 और ये 50, तो आपके पास कौन सा बड़ा है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन 50/60, तो 50/60 किससे आया 5/6, तो आप लिख देते 5/6 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास तमाम जो 13, 14, 15 और 16 ये आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे, 13 में आपको स्मॉलेस्ट निकालने हैं, 14 में आपको ग्रेटेस्ट निकालने हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपको 15 और 16 में, 15 में आपको असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले आप क्या लिख देंगे, अगर मैं इसका कहूँ कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है तो मैं लिख दूंगा इसमें 3/4 गिवो है, सबसे छोटा, फिर उसके बाद 4/5 है, फिर उसके बाद 5/6, ये असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि स्मॉल से ग्रेटर की तरफ जाना, ठीक है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना, और डिसेंडिंग का मतलब है बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना, तो जब आपके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी तो आप बता सकते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप 13 से लेके 16 तक आप सॉल्व करेंगे, आज के लिए इतना ही लेक्चर काफी है और ये आपका 2 दिन का काम होगा, ठीक है, तो आप ये ट्यूजडे और वेडनेसडे इन दोनों में आप ये लेक्चर दो देखेंगे, दोबारा समझेंगे, कम से कम 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आपका ये ट्यूजडे और वेडनेसडे दोनों का काम है, थैंक यू।